क्या आप कॉन्वर्जेशन को विदाउट इन्विटेशन सामने वाले को ऑफरिंग करेक्शन से शुरू करते हैं आपको इन्वाइट किया है करेक्शन के लिए नहीं किया लेकिन मैं दूंगा करेक्शन है ना करेक्शन विदाउट कनेक्शन विल एंड अप लूजिंग रिलेशन यू विल एंड अप लूजिंग रिलेशन जब आपका कनेक्शन ही नहीं है जब आपको इनविटेशन ही नहीं है तो आप करेक्शन क्यों दे रहे हैं So, अपनी मिस्टेक को साइडलाइन करने की इच्छा और ये एक्सक्यूज दे देना कि मैं इसलिए फेल हुआ ये मेरी गलती नहीं थी एक ये मेरी गलती नहीं। थी।, नहीं थी बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो तो छाती ठोक के बोलेंगे हम मेरी गलती थी आइंदा से नहीं करूंगा ये मेरी गलती थी दोबारा नहीं करूंगा हाँ मेरी गलती थी अब नहीं होएगा इट इज ओके टू मेक मिस्टेक इट इज ओके टू मेक फ्यू मोर मिस्टेक्स बट इट इज नॉट ओके कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक आयुविद में गलती करने में दिक्कत नहीं है गलती दोबारा करने में दिक्कत नहीं है पर उसी गलती को दोहराते रहने में yes. दिक्कत है सेम गलती नहीं करनी हाथा गिलाई फिर क्या करना है yes. नई गलती करो yes. फ्रेश गलती करो yes. और फिर उसको रिपीट मत करो हो गया गेम चेंज बस इस जिंदगी में आप ज्यादा गलतियां कर नहीं पाओगे नई नई गलती कर करके भी शर्त यह कि पुरानी वाली दोहरानी नहीं है शर्त क्या है, पुरानी वाली दो रानी नहीं है तो आज अगर हम इसी को बस समझ लें कि क्या दुर्योधन मेंटालिटी है और कैसे हम इससे बाहर आ सके कैसे हम ये ना सोचे त्यक्त जीविता ये सब मेरे दिन, मेरे लिए जिंदगी त्यागने के लिए आए हैं ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है तो तू क्यों मरवा रहा है उनको <laughs> अंधा यथा अंधा उपनीय माना एक अंधा सारे अंधों को लीड कर रहा है ये आज की लीडरशिप है क्या मेरी बात समझ आ रही है ना ना शस्त्र शा, प्रहार ना ऐसे ऐसे शस्त्र लेके आए हैं सर्वे युद्ध सारे युद्ध को जीतते आए अरे इतने एक्सपर्ट लोग बस इसीलिए गेम ओवर हुआ दुर्योधन का धन्यवाद ग्रंथ श्रीमद् श्रीमद भगवत गीता की अगर आ, सिंपल तरीका आप बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए पूछिए इसका डिटेल मांगिए आपकी नौकरी चली गई है आपका बिजनेस बंद हो गया है आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं सिंपल काम है कुछ नहीं करना है एक नंबर मिलाना है आपको इस नंबर पर निकाल लो अभी दस मिनट वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फ़ोन मिलाओ पूछो सर ये क्या चीज़ है मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में समझाइए क्या हाँ, मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा पूछिए पूछिए ऐसा आप आकर के कितना पैसा लगेगा सी लगता था, पहले एक लाख बीस हजार रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे उसका एंट्री टिकट था आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है डिसीजन एक डिसीजन ले लो अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो